तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? तो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ आर फर्रे सीरीज। तो बेटा, हम जनरल फार्मा में कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आज हम पढ़ेंगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके थ्योरी एग्जाम में आते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम में आते हैं, फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज के एजेंडा में जो हमने तीन हॉट क्वेश्चंस जो उठाए हैं, पहला है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड राइट अ नोट ऑन रास इनहिबिटर। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजाइना, इलेबोरेट एंटी एंजाइनल ड्रग विद रीसेंट एडवांसेस, न्यू ड्रग्स, एंड देन डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड इलेबोरेट द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन आप जानते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिमेम्बर, वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी साहब ने कहा है, सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है। अगर आपने विश्वास कर लिया, ठान लिया, आपकी आधी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर गोल्स। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई वॉन्ट एक्टिव लाइव चैट पार्टिसिपेशन। आप सब बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सब ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आंसर लिखना कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रास इनहिबिटर। गुड इवनिंग मार्थना जी, शायंस एंड सुरेश जी। तो फर्स्ट पॉइंट, विल क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड वी विल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रास इनहिबिटर। तो पहले बेटा, हमें हाइपरटेंशन की फिजियोलॉजी समझ या पैथोलॉजी समझने की जरूरत है। और अगर हमें समझ आ गया कि हाइपरटेंशन होती कैसे है, तो ड्रग्स तो बड़े सिंपल हो जाएंगे याद करना। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन होता है बेटा, अगर आप मान के चलो फटाफट भाग के आए, आप बहुत हेल्दी आदमी हो, आप भाग के आए और मैंने आपका ब्लड प्रेशर नापा तो मुझे हाई मिलेगा। तो क्या आप हाइपरटेंसिव हैं? क्या आप हाइपरटेंसिव हैं? नहीं, क्योंकि आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो आपका बीपी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, है ना? जब आप रेस्ट करेंगे। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये बीपी कभी भी नॉर्मल नहीं होता। तो हाइपरटेंशन इज नॉट जस्ट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इट इज क्रॉनिक एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर जो हमेशा ही ज्यादा रहता है। सेकेंड पॉइंट, सर कितना ज्यादा रहता है? अगर मैं आपका बीपी नापूं और अपने ब्लड प्रेशर से कंपेयर करूं तो हम दोनों की सेम रीडिंग तो नहीं आएगी, आपकी और मेरी रीडिंग ज्यादा होगी, अलग होगी। तो वो ब्लड प्रेशर विच विल कैरी अ रिस्क ऑफ ऑर्गन डैमेज, विच कैन कैरी अ रिस्क ऑफ ऑर्गन डैमेज और कोमॉर्बिडिटी, जिससे बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, उस हाई बीपी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। सर ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार ऑर्गन्स बनाएंगे। हम लेफ्ट साइड पे हम ब्रेन बनाएंगे और राइट साइड पे हम हार्ट, ब्लड वेसल और किडनी बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर बेटा बढ़ता कैसे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है साहब, हमारे ब्रेन से सिंपथेटिक डिस्चार्ज आता है। कैसा होता है? सिंपथेटिक डिस्चार्ज होता है, सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड पे आती है। और थोरेसिक और लंबर स्पाइनल नर्व्स, दे कैरी सिंपथेटिक फाइबर्स। तो हमने इन नर्व्स को नाम दे दिया एड्रेनर्जिक नर्व्स। सिंपथेटिक नर्व्स को क्या नाम दे दिया? एड्रेनर्जिक नर्व्स। अब ये एड्रेनर्जिक नर्व्स इन ऑर्गन्स में जाएंगे, हार्ट, ब्लड वेसल और किडनी, तीन जगह जाएंगे।
और इनसे क्या रिलीज होगा? इनसे रिलीज होगा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एक्सेट्रा। इससे क्या रिलीज होगा? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनालिन। फिर ये नर्व्स पहले हार्ट पे जाएंगी। हार्ट पे एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का हमने नाम दे दिया बीटा वन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बेटा? बीटा वन रिसेप्टर। बीटा वन रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होगा, देर विल बी कैल्शियम इनफ्लक्स। हार्ट के मसल्स के अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा? कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा। अगर मसल्स में कैल्शियम आ गया तो मुझे बताइए हार्ट की मसल्स ज्यादा फोर्स से बीट करेंगी? अगर हार्ट की मसल्स ज्यादा फोर्स से बीट करेंगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट। और अगर बेटा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हमें बात समझ आई सब बच्चों को? क्या सब बच्चों को ये बात समझ आई? इसके बाद सर ब्लड वेसल पे लिखेंगे अल्फा वन रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर भी ब्लड वेसल पे क्या करेगा? कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा, जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बेटा? यस, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वेरी गुड। अब तीसरी बात, किडनी पे हम दोबारा लिखेंगे बीटा वन रिसेप्टर। किडनी पे दोबारा क्या लिखेंगे? बीटा वन रिसेप्टर। और बीटा वन रिसेप्टर विल कॉज रेनिन रिलीज। से क्या रिलीज होगा? हम लेफ्ट साइड पे बना देते हैं। बीटा वन रिसेप्टर ऑन किडनी विल कॉज रेनिन रिलीज फ्रॉम जेजी सेल्स ऑफ किडनी। रेनिन रिलीज से क्या होगा बेटा? एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रास सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इसका काम होता है एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है। ये यूरिन का वॉल्यूम कम कर देगा, क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, देर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। देर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। तो बताइए बेटा क्या हमें ये बात समझ आई? बेटा नीट पीजी वाले अगर बच्चे इसे सुनेंगे तो इसके एमसीक्यू सॉल्व हो जाओगे आपके। बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे इस सेशन में बेटा। पीडियाट्रिशियन साहब, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि एक दूसरी स्ट्रीम के बच्चों को भी ये सुनना चाहिए। एक बार रिवीजन हो जाती है आपको ना, दोबारा से रिवीजन आती है, आप फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए बेटा क्या हमें ये छोटा सा डायग्राम समझ आया? या आपको मुश्किल लगा डायग्राम? बिल्कुल नहीं। अगर हमें ये डायग्राम समझ आ गया है, ऑल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर नाउ वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। ठीक है बेटा, मैं पहले क्या करूंगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासेस लिखूंगा। इस डायग्राम को आप माइंड में रखिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप बच्चे मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग कहाँ पे काम करेगा। डील डन? ये डील डन हो गई आपकी मेरी? यस या नो बताइए, डील डन? चलो, तो पहले मैं फाइव क्लासेस, देर आर फाइव क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देर आर फाइव क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो पहला लिखेंगे सिंपथोलाइटिक्स, जो सिंपथेटिक डिस्चार्ज को कम करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे डायूरेटिक्स, तीसरा लिखेंगे हम रास इनहिबिटर्स, फोर्थ हम लिखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और लास्ट लिखेंगे हम वेजो डायलेटर।
तो देर आर फाइव क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, सिंपथोलाइटिक ड्रग से स्टार्ट करता हूँ, अब आप बच्चे आंसर करेंगे। तो बेटा सिंपथोलाइटिक्स में पहले बताइए सिंपथेटिक डिस्चार्ज कहाँ से शुरू हुआ? सर ब्रेन से शुरू। तो हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा टू ए रिसेप्टर, जो हमारे ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। और अगर आप इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करोगे, इट रिड्यूस सिंपथेटिक डिस्चार्ज, इट रिड्यूस सिंपथेटिक डिस्चार्ज। तो बेटा क्या हम लिख सकते हैं, सिंपथोलाइटिक्स में फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज जो सीएनएस पे काम करेगा, सेंट्रल सिंपथोलाइटिक। क्या ये नाम सब बच्चों को समझ आ गया? सेंट्रल सिंपथोलाइटिक, बताइए कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा? अल्फा टू ए एगोनिस्ट। और इसमें ड्रग के नाम लिखेंगे क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा। तो अब आप बच्चे मुझे बताइए क्लोनिडीन कौन कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट को रिड्यूस करता है? बताइए कौन से तीन ऑर्गन्स पे क्लोनिडीन इफेक्ट को रिड्यूस करता है, क्या आप बता सकते हैं? हार्ट पे, कैन वी से क्लोनिडीन डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? ब्लड वेसल्स पे, इट प्रोड्यूस वेजो डायलेशन एंड डिक्रीज डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। और तीसरा बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन, क्लोनिडीन का किडनी पे क्या इफेक्ट होता है? बेटा क्लोनिडीन डिक्रीज रेनिन रिलीज। क्या हमें ये बात समझ आई? क्या हम इन तीनों चीजों को उल्टा कर सकते हैं? एक बार देखिए डायग्राम। हार्ट पे क्लोनिडीन काम करेगा क्योंकि पूरी बॉडी में सिंपथेटिक डिस्चार्ज कम हो गया, ब्लड वेसल्स में वेजो डायलेशन होगी, और किडनी पे रेनिन रिलीज को इनहिबिट करेगा क्लोनिडीन। सिंपल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो एड्रीनर्जिक नर्व्स हैं, तो पहला तो हमने ब्रेन वाला बना दिया, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या हम इन एड्रीनर्जिक नर्व्स को ब्लॉक कर दें और एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन के रिलीज को कम कर दें? यस। सो द सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग वी हैव इज एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। इसमें ड्रग के नाम लिखेंगे पहला ड्रग रेजरपीन, दूसरा ड्रग क्वानिथिडीन। क्या आप बता सकते हो इन तीनों ड्रग के भी क्या इफेक्ट होंगे? सेम इफेक्ट। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग इज बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग इन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, बीटा ब्लॉकर्स। एंड फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग इज अल्फा ब्लॉकर्स। अब आप मुझे बताइए बच्चे लोग, बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर कैसे कम करते हैं? सब बीटा ब्लॉकर के एंड में LOL वर्ड आता है, प्रोपेनेलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटीनोलॉल है, वो हमने ANS में पढ़ा था। तो बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर कौन से दो ऑर्गन्स पे काम करके रिड्यूस करेगा? देख के बताइए कहाँ कहाँ है बीटा रिसेप्टर। बेटा बीटा रिसेप्टर एक तो हार्ट पे था, और दूसरा कहाँ था बीटा रिसेप्टर? किडनी पे था। तो कैन वी से बीटा ब्लॉकर दे विल डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, हेंस दे विल रिड्यूस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
And second main reason why beta blockers are useful in hypertension, because they reduce renin release. They reduce renin release. अब आप बताइए अल्फा ब्लॉकर कहाँ काम करेंगे? अल्फा ब्लॉकर बेटा काम करेंगे किस पे? कहाँ लिखा है हमने अल्फा? अल्फा ब्लॉकर्स दे विल एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स एंड अल्फा ब्लॉकर्स दे विल प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एग्री? एक दो ड्रग के नाम लिख ले. यस, प्रेजोसिन सुने सिन, पेंटोलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन. तो ये सारे ड्रग हम पढ़ चुके हैं कहाँ बेटा? नाउ डायूरेटिक्स वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. बहुत सारे थे, लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. और वो कैसे काम करते थे किडनी पे हम पढ़ चुके हैं. रास इनहिबिटर बेटा अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं. अब आप मुझे बताइए बेटा लोग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किस पे काम करेंगे? बताइए, अगर आप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें तो कहां कहां पे इफेक्ट आएगा? कहां पे है कैल्शियम के इफेक्ट? सर, कई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट पे काम करेंगे और कई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लड वेसल्स पे काम करेंगे. तो इसीलिए हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को बेटा दो में डिवाइड कर दिया. तो फर्स्ट क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई बच्चा बताएगा कौन सी दो क्लासेस हमने पढ़ी? डीएचपी टाइप, फुल फॉर्म याद है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, एंड नॉन डीएचपी टाइप. डीएचपी टाइप दे ओनली एक्ट ऑन ब्लड वेसल. इस पे काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स पे. नॉन डीएचपी टाइप हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों पे काम करेंगे. नाउ डीएचपी टाइप ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे? डायलेट कर देंगे. तो बेसिकली इनसे आर्टरी डायलेट हो जाएगी. कौन सा ब्लड प्रेशर कम होगा? कौन सा ब्लड प्रेशर कम होगा? दैट इज डायस्टोलिक. अब डीएचपी टाइप वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का दूसरा नाम होता है डिपीन्स. इनके एंड में क्या वर्ड आता है? डिपीन्स. या कोई फेमस ड्रग का नाम बता सकते हो? एम्लोडिपीन, निफेडिपीन, मेनी कैल्शियम. वाइल नॉन डीएचपी टाइप दे आर ओनली ऑफ टू टाइप्स. पहला ड्रग डिल्टियाजाम एंड सेकेंड ड्रग इज वेरापामिल. सेकेंड ड्रग इज वेरापामिल. नाउ टेल मी बेटा, हार्ट पे कौन कौन से दो ड्रग्स काम कर रहे थे? बताइए, हार्ट पे कौन कौन से दो ड्रग्स काम कर रहे थे और हार्ट के एक्शन को कम कर रहे थे? पहले बीटा ब्लॉकर और दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. पहले बीटा ब्लॉकर और दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. कौन से वाले? वेरापामिल और डिल्टियाजाम. ये हार्ट पे काम कर रहे थे. डिपीन्स वाले तो हार्ट पे काम नहीं करते. तो मेरा आप बच्चों से एक सवाल है, क्या आप बीटा ब्लॉकर को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ कंबाइन करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कंबाइन बीटा ब्लॉकर विद वेरापामिल एंड डिल्टियाजाम? सो यू विल राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बीटा ब्लॉकर्स आर नेवर कंबाइंड विद विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? वेरापामिल एंड डिल्टियाजाम. क्योंकि ये दोनों के दोनों हार्ट पे काम करेंगे. हार्ट बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा.
never combine this calcium channel blocker with beta blocker. अब आप बताइए कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप कंबाइन कर सकते हो. लिपिन्स कैन बी कंबाइंड विद बीटा ब्लॉकर क्योंकि हार्ट पे काम नहीं करते ना. कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन नहीं करेंगे? दैट इज वेरापामिल एंड डेल्टिया. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. एंड लास्टली वी हैव वेजो डायलेटर. तो वेजो डायलेटर में बेटा अभी तीन ड्रग्स होते हैं हमारे पास. देखेंगे आर्टरी डायलेटर, वेन्स डायलेटर एंड बोथ कंबाइंड डायलेटर. आर्टरी डायलेटर में हमारे पास होते हैं ड्रग MDH दैट इज मिनोक्सिडिल. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इससे हेयर की ग्रोथ भी होती है. डायाजॉक्साइड एंड हाइड्रालाजी. वीनोडायलेटर में नाइट्रेट और कंबाइंड डायलेटर में नाइट्रोप्रोसाइड. कंबाइंड डायलेटर में नाइट्रोप्रोसाइड. तो बेटा डोंट यू थिंक रास इनहिबिटर को छोड़ के जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमने सारे के सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक ही जगह लिख लिया है ना. अगर आप इतना लिख दोगे आपको तो एक ही पेज पे पूरे मार्क्स मिल. दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव. अब बात आती है बेटा इनमें से कौन सा ड्रग कब यूज कर. चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव दैट डिपेंड्स अपॉन. एक आदमी आया बेटा आपके पास, मान के चलो 25-30 साल का आदमी है. आपने देखा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है पर उसे कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा है. इसे हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, आल्सो नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन. और यही मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन का आज की डेट में. तो हमें कॉज नहीं पता बट हाँ हमें एक रिस्क फैक्टर पता है कि जब आप ज्यादा नमक खाते हो हाई सोडियम डाइट कैन लीड टू एसेंशियल हाइपरटेंशन. तो यहां पे हम देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट. उसके बाद हम पढ़ेंगे एक आदमी हाइपरटेंशन है साथ में उसको कुछ ऑर्गन डैमेज है, उसको ऑर्गन में कुछ डैमेज हुआ हुआ है. लेट्स से पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ एंजाइना हुआ हुआ है, स्ट्रोक हुआ हुआ है और भी बीमारियां हुई हुई हैं. तो यहां पे ट्रीटमेंट बेटा या चॉइस ऑफ ड्रग अलग हो जाता है. तो पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल हाइपरटेंशन जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन. तो एसेंशियल हाइपरटेंशन की बेटा कॉज क्या है? इडियोपैथिक. क्यों होता है हमें नहीं पता, इडियोपैथिक. बट हमें रिस्क फैक्टर पता है. रिस्क फैक्टर इज हाई सॉल्ट डाइट, ज्यादा नमक खाने से होता है. अब बेटा नाउअडेज वी फॉलो AHA क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. AHA का मतलब होता है बेटा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हम किस आदमी को कहते हैं कि वो हाइपरटेंसिव. तो देखिए बेटा एक जगह हमने ब्लड प्रेशर कैटेगरी लिखा हुआ है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा है इन मिलीमीटर ऑफ मर्क. तो व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? कौन सा बच्चा बताएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80. क्या हम ये बात याद रख सकते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80. और हम कब कहते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो गया है? जब उसका बीपी 130/90 से ज्यादा है. बेटा पहले डेफिनेशन होती थी 140/90, अब डेफिनेशन चेंज हो चुकी है. अब हम किस आदमी को कहते हैं कि वो हाइपरटेंसिव है? जिसका ब्लड प्रेशर 130/90 से ज्यादा है. ये होती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन. ठीक है,
स्टेज टू होती है 140/90 से ज्यादा, स्टेज टू इज 140/90, इसके बीच वाले को हम बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो बेटा हम यहां पे ड्रग देना शुरू कर देते हैं, यहां पे हम क्या करते थे, स्टार्ट गिविंग ड्रग्स फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन, यहां पे हम ड्रग देना शुरू कर देते हैं। अगर एक आदमी का ब्लड प्रेशर 130/90 बेटा यू कैन राइट, जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में लिखो, पर हाँ इस बात का ध्यान रखो कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी क्लियर हो। हम डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती ना, तो अगर आपका एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा तो वो फिर आप पे आपको मतलब दया खा के ही पास कर पाएगा, अदरवाइज वो पास नहीं। अब बेटा एक वर्ड होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की क्या डेफिनेशन है, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मोर देन 180/120। बस ये याद रखना है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है एमरजेंसी, यहां पे ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्या हम ये डेफिनेशंस याद रख सकते हैं, नॉर्मल कितना है, हाइपरटेंशन कहां से स्टार्ट हो जाती है, पहले 140/90 था, 130/90 हो गया स्टेज 1-2, और व्हाट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब बात करते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का बेटा आप ट्रीटमेंट लिखोगे अपने एग्जाम्स में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड ड्रग्स देने। नाउ विच स्टूडेंट विल टेल मी, आप अपने पेशेंट को कौन सा मेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहोगे? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। मैं आप बच्चों से एक आंसर पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पेशेंट्स को क्या कहोगे, आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफाई करना है। एनीवन, द मेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुड बी लो, यस बर्नाग जी ऑन द पॉइंट, लो सॉल्ट डाइट। सॉल्ट का मतलब NaCl, इट शुड बी लेस देन 5 grams per day, वेरी गुड। और हम इस सॉल्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज कराओ, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस में स्टेरॉइड रिलीज होते हैं, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बॉडी में सीएम का लेवल बढ़ा देते हैं, है ना, एल्डोस्टेरॉन का काम है ना, तो स्ट्रेस एक्सरसाइज ये सब नहीं कर, वो सब बात की बात है, अभी हम बात करते हैं ड्रग्स पे। नाउ फॉर ड्रग्स फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन व्हाट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, हमने इतनी बड़ी क्लास पढ़ी, इनमें से सिर्फ 3 ही ड्रग्स हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, और हम एक न्यूमोनिक याद रख सकते हैं, कैट, CAT, कैट, क्या हमें न्यूमोनिक याद रख सकते हैं, कैट हमेशा। पहला सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर DHP टाइप, बताइए इन ड्रग्स के एंड में क्या वर्ड आता था, इन ड्रग्स के एंड में वर्ड आता था डिपीन, कोई फेमस ड्रग जो हमने लिखा हो, एम्लोडिपीन। दूसरा लिखेंगे एस इनहिबिटर, या फिर इसी का भाई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये हम रास इनहिबिटर में अभी पढ़ेंगे। बेटा इन ड्रग्स के एंड में या तो प्रिल वर्ड आएगा या फिर सार्टन वर्ड आएगा, एंड तीसरा कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कौन सा डायूरेटिक फर्स्ट लाइन है, कौन सा डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक। तो दीज आर द 3 फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन, वेरी गुड बेटा। अब बात आती है रेस्ट ऑल अदर ड्रग्स,
rest all other drugs are now considered to be the second line drugs. तो कौन सा बच्चा मुझे बताएगा क्या बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ड्रग है एसेंशियल हाइपरटेंशन में? नहीं बेटा, थायजाइड में नहीं, टॉर्सेमाइड जो है बेटा बर्नक जी वो लूप डायुरेटिक, थायजाइड्स वाले में होता है क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार देखिएगा आपको रिवाइज हो जाएगा दोबारा से एक बार, ठीक है बेटा. रेस्ट ऑल अदर ड्रग्स आर सेकेंड लाइन. तो बताइए बीटा ब्लॉकर एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है? आर बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन? यस और नो? व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या है? क्या बीटा ब्लॉकर, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आर बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग? बेटा ये पहले फर्स्ट लाइन होते थे, नाउ बीटा ब्लॉकर हैव बिकम सेकेंड लाइन ड्रग फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन. Yes. पहले ये फर्स्ट लाइन होते थे कुछ 10 साल पहले, अब नहीं है. पर अभी मैं बताऊंगा अगर हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटी होगा तब ये फर्स्ट लाइन बन जाएगा. अब बात करते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ हाइपरटेंशन. अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन देखेंगे, बीपी नॉट कंट्रोल्ड बाय टू ड्रग्स. आपने आदमी को दो ड्रग्स दे दिए तो होता क्या है, सबसे पहले हम एसेंशियल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एक ड्रग स्टार्ट करते हैं, सीएटी कैट में से कोई भी एक ड्रग स्टार्ट करते हैं. आजकल हम मोस्ट कॉमनली स्टार्ट करते हैं एम्लोडिपिन. नहीं ठीक होता एक दूसरा ड्रग ऐड कर देते हैं, जैसे एस इनहिबिटर ऐड कर दिया. अब भी ठीक नहीं हुआ तो हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. नाउ टू ड्रग्स एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, जो उनकी हम मैक्सिमम डोज दे सकते हैं उस डोज पे कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एड थर्ड ड्रग. हमें तीसरा ड्रग भी कैट में से ऐड कर देना है. अब बात करते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, बीपी नॉट कंट्रोल्ड बाय थ्री ड्रग्स, सेम एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज. तो बताइए रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन की क्या डेफिनेशन, एड स्पाइरोनोलैक्टोन. हम यहां पे ऐड करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, ये एक रास इनहिबिटर है, इट ब्लॉक्स एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर. ठीक है, अब एक और टर्म है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, बीपी नॉट कंट्रोल्ड बाय फाइव ड्रग, बीपी नॉट कंट्रोल्ड बाय फाइव ड्रग्स इज नोन एज रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन. सर इसका अभी भी कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर इट. बट यहां पे एक सर्जरी का रोल है, यहां पे एक सर्जरी का रोल है, हम कौन सी नर्व्स को रिमूव कर दें, कौन सी नर्व्स को काट देना चाहिए हमें, बताइए कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, कौन सी नर्व्स को काट देना चाहिए, पहले बताइए कौन सी नर्व आपको लगता है. सिंपथेटिक नर्व्स को रिमूव कर देना चाहिए, किसमें से, हार्ट में से रिमूव करोगे, नहीं यार आदमी मर जाएगा. ब्लड वेसल से रिमूव करोगे, नहीं बहुत डेंजरस है. तो किस में से रिमूव करोगे, रीनल सिंपथेटमी. यहां पे किसका रोल आता है, तो अब बात करते हैं हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटी. कोमॉर्बिडिटी मतलब अब साथ में आदमी को कुछ डिजीज है, हाइपरटेंशन तो है पर साथ में आदमी को कोई बीमारी भी है. नाउ यहां पे जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो अलग हो जाते हैं. अब हम देखते हैं, मैं आपसे क्विज टाइम हो गया, व्हाट आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटी? नहीं बेटा क्लोनिडिन नहीं, ठीक है. पहला बताइए एक आदमी को
हाइपरटेंशन के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज है. किडनी डिजीज कैसे पता लगता है? यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज है. हाइपरटेंशन के साथ आदमी को डायबिटीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, स्ट्रोक हुआ हुआ है. हाइपरटेंशन में सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, रेटिना डैमेज हो रहा है, स्क्लेरोडर्मा है. कैन यू टेल मी कौन सा ड्रग आप स्टार्ट करेंगे? हाइपरटेंशन विद किडनी डिजीज, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, स्क्लेरोडर्मा. ये क्विज टाइम है आपके लिए. इन सब बीमारियों में हम कौन सा ड्रग स्टार्ट करते हैं? हाइपरटेंशन विद रीनल डिजीज, विच ड्रग यू विल स्टार्ट? सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज. द आंसर इज एस इनहिबिटर. इन सब बीमारियों में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एस इनहिबिटर. उसका एक रीजन है बेटा, हम देख लेंगे आज. एस इनहिबिटर किडनी को प्रोटेक्ट करता है, इट हैज नेफ्रो प्रोटेक्टिव. ठीक है, इससे ब्लड ग्लूकोज भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है. स्ट्रोक में इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, रेटिना में रेटिनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, स्क्लेरोडर्मा में जिसमें कोलेजन एक्सेस में डिपॉजिट हो जाता है, इट इनहिबिट्स कोलेजन डिपोजिशन. तो इस कंडीशन में बेटा ड्रग ऑफ चॉइस होता है एस इनहिबिटर. ठीक है, नेक्स्ट बीमारी करते हैं. हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है. लेट्स से फिंगर्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, रेनॉट्स डिजीज. फिंगर्स में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, रेनॉट्स. लंग्स में ब्लड वेसल्स काम नहीं कर रही, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. रीनल आर्टरीज ब्लॉक्ड है, एथेरोस्क्लेरोसिस है. मुझे बताइए इन सब बीमारियों में आप कौन सा ड्रग स्टार्ट करेंगे? विच एंटी हाइपरटेंसिव? गेस करो. आंसर इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डीएचपी, डीपी. वेरी गुड नीत पटेल जी. चलो इसका बताओ, एक आदमी को हार्ट में एंजाइना हुआ हुआ है. नहीं नहीं, डीएचपी टाइप. हार्ट में हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुई है. हार्ट मतलब ज्यादा काम कर रहा है. एओटिक डिसेक्शन, हार्ट के ऊपर एओटा टीयर हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म. कैन यू टेल मी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा इसके? वेरी गुड मीत पटेल जी, वेरी गुड. यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा बीटा ब्लॉकर्स. यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा बीटा ब्लॉकर. अब बेटा इफ बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इफ बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. बेटा बीटा ब्लॉकर ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एस्थमा में. तो मुझे बताइए आप कौन सा ड्रग स्टार्ट करेंगे जो बीटा ब्लॉकर की तरह ही हार्ट पे काम करता था. बीटा ब्लॉकर एस्थमा में नहीं दिया जाता. अब एक आदमी आया हाइपरटेंशन विद हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन विद स्टेबल एंजाइना. ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर, बट पेशेंट को एस्थमा है, तो आप कौन सा ड्रग स्टार्ट करोगे? कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? नॉन डीएचपी टाइप, वेरापामिलोल, डिल्टियाजाम. यहां पे आप देते हो सीसीबी नॉन डीएचपी. ये तब देते हैं जब बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते. इन दोनों को आपस में आप कभी भी कंबाइन नहीं करते. ठीक है, तो डोंट यू थिंक दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट? चलो बताओ, हाइपरटेंशन विद एक आदमी का प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, हाइपरटेंशन विद सम कोमॉर्बिडिटी. आंसर इज प्रेजोसिस, और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फा वन ब्लॉकर. इसमें सारे ड्रग जोसिन वर्ड से एंड करते हैं, और भी ड्रग हो सकते हैं पर प्रेजोसिन एक बड़ा फेमस ड्रग है. वेरी गुड. हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस, कैन यू टेल मी विच ड्रग यू विल गो? थायजाइड्स. व्हाई थायजाइड्स? क्योंकि थायजाइड्स
इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइजाइट से बोन की डेंसिटी बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है क्योंकि वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है. हाइपरटेंशन विद पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस क्लोनिडिन. क्लोनिडिन ब्रेन पे काम करता है और वेजोमोटर सेंटर को कहता है सर हॉट फ्लशेस मत. सर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है. पाइरोनोलेक्टोन इओक्रोमोसाइटोमा. इओ वाला ड्रग फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा वन ब्लॉक अल्फा ब्लॉकर है. हाइपरटेंशन ड्यू टू चीज रिएक्शन हमने पढ़ा था एएनएस में पेंटोलामीन. पेंटोलामीन समझ आ रही है कहानी. These are the choices of antihypertensive. Now let's talk about which drug is contraindicated if the patient is having hypertension with gout. Answer likhenge. Loop and thiazides. Loop or thiazides se khud bhi diuretic se uric acid ka level badhta hai. यहाँ पे लिखेंगे अभी हम पढ़ लेंगे एस इनहिबिटर. अब क्योंकि एस इनहिबिटर से हाइपरकैलीमिया होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस प्रेगनेंसी वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग एंड एंजियोनियोरोटिक एडिमा दिस वी विल डिस्कस. अभी पढ़ते हैं थोड़ी ठीक है. एस्थमा और सीओपीडी में बीटा ब्लॉकर. ब्रेडिकार्डिया या एवी नोड है पहले से बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉन डीएचपी टाइप क्योंकि ये दोनों हार्ट को क्या करते हैं ब्लॉकर. हार्ट फेलियर में कौन सा नहीं देना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉन डीएचपी. डिप्रेशन में कौन सा नहीं देना क्लोनिडिन ब्रेन पे काम करता था उससे डिप्रेशन होता है एंड मिथाइल डोपा. ये दोनों ड्रग ब्रेन पे काम कर रहे थे डिप्रेशन होता है. तो एक लिस्ट है अगर किसी को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. अब हम बात करते हैं बेटा रास इनहिबिटर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रास इनहिबिटर. तो रास क्या है बेटा रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रास इन अवर बॉडी एनीवन. हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है रास का. रास का बेटा फंक्शन होता है टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो रास इनहिबिटर क्या करेंगे रास इनहिबिटर विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर कि आप रास सिस्टम को इनहिबिट कर ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मली रास सिस्टम काम करता कैसे है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रास सिस्टम फंक्शन. तो इसमें क्या करेंगे वैसे यार डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं. एक लिवर बनाएंगे एक ब्लड वेसल बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन्स काम करेंगे बेटा. लिवर में एक प्रोटीन बनाता है जो ब्लड में आता है उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन. लिवर से कौन सा प्रोटीन बनता है ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन ठीक है. अभी ओजन वर्ड आ रहा है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन है कुछ भी काम नहीं करता. तो जैसे ही ब्रेन में सिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है हमने पढ़ा सिंपथेटिक नर्व्स किडनी पे आती है बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है और बीटा वन रिसेप्टर से किडनी से क्या रिलीज हो जाता है रेनिन. किडनी क्या रिलीज करती है रेनिन. रेनिन का काम होता है बेटा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करना. एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर
अभी बेटा ये जो एंजियोटेंसिन वन है ये मेन एक्टिव स्पीशीज नहीं है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगी। एंजियोटेंसिन वर्ड क्यों नाम डाला? एंजियो का मतलब ब्लड वेसल में घूम रहा है ना, और टेंसन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हाइपरटेंसिव। अब ये एंजियोटेंसिन वन बेटा जाता है लंग्स में, कहाँ जाता है? लंग्स। और लंग्स के एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं, लंग्स की ब्लड वेसल्स पे जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उस पे एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है एस एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? एस एंजाइम। एस एंजाइम कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन वन इंटू एंजियोटेंसिन टू, और ये एंजियोटेंसिन टू इज द मेन स्पीशीज दैट विल इंक्री एक्ट ऑन ऑर्गन, और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किससे बढ़ता है बेटा? एंजियोटेंसिन टू से। अब ये एंजियोटेंसिन टू कौन कहां पे? ऑर्गन्स पे होता है। ऑर्गन्स पे जो एंजियोटेंसिन टू का रिसेप्टर होता है, हम उसका नाम लिखेंगे, इसके रिसेप्टर का नाम होता है, एंजियोटेंसिन टू का जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का नाम है AT1 रिसेप्टर। रिसेप्टर का नाम क्या है? AT1 रिसेप्टर। और ये 81 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है ऑर्गन्स पे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब आप पूछेंगे सर कैसे बढ़ता है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स पे होता है ये रिसेप्टर? तो पहला एरिया, पहला ऑर्गन इज एड्रीनल ग्लैंड, और जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड पे 81 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है इट कॉजेस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम का लेवल बढ़ा देता है, सोडियम बॉडी में ज्यादा हो जाता है, किडनी पे काम करता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट पे, और पोटेशियम का लॉस होता है। अब बेटा अगर सोडियम रिटेन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमने पढ़ा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स पे होता है, आर्टरीज और वेन्स में, और ब्लड प्रेशर में क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए इसका नाम आया है एंजियोटेंसिन। और तीसरा ये होता है हार्ट में, कार्डियक। ABC हम वर्ड याद रख सकते हैं, तीन जगह पे जाए होता है, ABC, और ये हार्ट को कहता है ज्यादा काम करो, और हार्ट ज्यादा बीट करना शुरू कर देता है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर हार्ट ज्यादा बीट करेगा तो आप बच्चे मुझे बताइए हार्ट की मसल्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी? हार्ट की मसल्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी? अगर हार्ट, आप जिम जाओगे और ज्यादा काम करोगे, आपकी बाइसेप्स ग्रो हो जाएंगी, बाइसेप्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, आप सलमान खान बन जाओगे, आप हीरो बन जाओगे और आपको करोड़ों के ऑफर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर ये हार्ट के साथ अच्छी बात नहीं है। हार्ट में जब हाइपरट्रॉफी होती है ये वाला हार्ट फिर इजीली डैमेज हो जाता है। हाइपरट्रॉफिड हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, ये हार्ट डैमेज हो जाएगा। और जब हाइपरट्रॉफी से हार्ट डैमेज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं CHF। क्या बोलते हैं बेटा इसे? क्रॉनिक हार्ट फेल। इसीलिए हाइपरटेंशन में हार्ट फेल हो जाता है। तो बताओ कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी स्टोरी सब बच्चों को? कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अब बेटा इसी डायग्राम में, ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपने एग्जाम का, ठीक है? ठीक है। अब बेटा अब हम इस पे क्या करेंगे, तीन पार्ट्स को सर्कल करेंगे, तीन एरियाज को हम सर्कल करेंगे। एक है रेनिन को, एक है एस को, और एक 81 रिसेप्टर को। हम इन तीनों चीजों को इनहिबिट करेंगे, एक दो तीन। तो हमारे पास देर आर थ्री क्लासेस ऑफ रास इनहिबिटर्स वी हैव। तो कैन यू टेल मी बेटा पहला ड्रग कौन सा होगा रास इनहिबिटर्स में? अभी मैं आपको बताऊंगा 82 का क्या फंक्शन, जब उल्टा काम करता है वो इनहिबिटरी रिसेप्टर।
कैन वी से बेटा वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रास एन बेटा. पहला क्या है? डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. समझ गए बात? इन ड्रग्स के एंड में वर्ड आएगा आई रेन. ड्रग का नाम एक ही ड्रग है बेटा, सिर्फ एक ही ड्रग अप्रूव्ड है, एलिसकाइरेन. दो तीन ड्रग्स अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, रेमिकाइरेन एलिलकाइरेन, बट अप्रूव्ड एक ही है. सेकंड हो गया एस इनहिबिटर. इन ड्रग्स के एंड में वर्ड आएगा प्रिल. और तीसरा 81 रिसेप्टर ब्लॉकर. इन ड्रग्स के एंड में वर्ड आएगा सार्टन. मजा आया सुन के कहानी, क्या बात हमें आई. अब पूछा जाता है व्हाट इज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर कैसे रिड्यूस करते हैं, ये तीनों के तीनों ड्रग कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो ये भी बड़ा इजी है बेटा. हमने यहाँ पे तीन ऑर्गन लिखे थे, कौन से? ए बी सी. इन तीनों ऑर्गन्स के एक्शन को अब हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे. तो कैन यू टेल मी थ्री एक्शंस ऑफ दीस रास इनहिबिटर्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहला ए से बताओ, फिर बी से बताओ, फिर सी से बताओ. ए से, इनसे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. बिकॉज दे रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, कैन वी से दे विल प्रोड्यूस सोडियम लॉस इन यूरिन. बिकॉज दे प्रोड्यूस सोडियम लॉस इन यूरिन, ऐसे ड्रग्स को तो हम डायूरेटिक बोलते थे. सो दे हैव अ डायूरेटिक एक्शन. दे हैव अ डायूरेटिक एक्शन. बट कैन यू टेल मी व्हाट दे विल लीड टू? पोटेशियम. दे विल रिटेन पोटेशियम. कैन यू टेल मी इन सब ड्रग्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा रिलेटेड टू पोटेशियम? ऑल दीज ड्रग्स दे प्रोड्यूस हाइपरकैलेमिया. ये सारे के सारे ड्रग्स हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस करते हैं. पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा ना ब्लड में, तो कौन कौन से ड्रग्स हाइपरकैलेमिया करते हैं? एस इनहिबिटर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, 81 ब्लड वेसल्स पे दे प्रोड्यूस वैसोडायलेशन. थर्ड, कार्डियक हाइपरट्रॉफी रिड्यूस्ड. हेंस दे आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज. कौन सी बीमारी में भी देते हैं हम? They are also given in the treatment of C. बताओ किसको अच्छी बातें लगी ये सारी? तो सारे के सारे रास इनहिबिटर हाइपरकैलेमिया करते हैं. That is why all रास इनहिबिटर्स like ACE inhibitors, 81 receptor blocker should be avoided with. पोटेशियम पेयरिंग डायूरेटिक्स. तो इनको नहीं कंबाइन करना चाहिए इनके साथ, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साथ, क्योंकि दे ऑल्सो प्रोड्यूस डेंजरस हाइपरकैलेमिया. तो इनको कौन से डायूरेटिक के साथ नहीं कंबाइन करना? कैन यू बेटा टेल मी, हमने कल परसों ही पढ़े थे, What was the mnemonic for potassium sparing diuretic जो hyperkalemia करते थे? चार थे ना, SEATC. कौन से थे वो चार? Pyrrolactone, Eplerenone. कल पढ़े थे ना हमने, कल परसों, चार potassium sparing diuretic जो hyperkalemia करते हैं, amiloride और triamcinolone. तो एस इनहिबिटर्स को किसके साथ नहीं कंबाइन करना? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. तो देखते हैं बेटा एक बार, पहले ड्रग हम बात करते हैं एस इनहिबिटर्स. एस इनहिबिटर्स दे ऑल एंड विद द वर्ड प्रिल.
बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, प्रिल, प्रिल से एंड करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं एस एंजाइम की। एस एंजाइम की फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेज एंजाइम, और इसके साथ आप लिखेंगे दैट दिस एंजाइम इज अ नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। नॉन स्पेसिफिक एंजाइम का मतलब इसके बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस एंजाइम? पहला फंक्शन ऑफ एस एंजाइम इज टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। पहला फंक्शन यही था, और एंजियोटेंसिन 2 बीपी बढ़ाता था, कौन कन्वर्ट करता था? एस एंजाइम। दूसरा फंक्शन इसका काम होता है एक मॉलिक्यूल को डिग्रेड करना, मॉलिक्यूल का नाम ब्रेडिकाइनिन। एस एंजाइम डिग्रेड्स ब्रेडिकाइनिन, इट डिग्रेड्स ब्रेडिकाइनिन, ये ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर दे। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे, अगर आप ड्रग देंगे एस इनहिबिटर, एस एंजाइम को इनहिबिट करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? अगर आप एस इनहिबिटर दोगे, आपने इस एंजाइम को क्या किया? इनहिबिट कर दिया, आपने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। कैन वी से एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम हो जाएगा, वेरी गुड, बीपी कम हो जाएगा। सो दे रिड्यूस एस इनहिबिटर, दे रिड्यूस एंजियोटेंसिन 2 लेवल। बेटा क्या हम बात लिख सकते हैं दैट एस इनहिबिटर ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ, सेकेंड पॉइंट में बताइए, ब्रेडिकाइनिन। तो एस इनहिबिटर्स दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। Do you agree with this point? अब ब्रेडिकाइनिन का जो लेवल इंक्रीज हुआ, इसकी एक एडवांटेज है और इसका एक डिसएडवांटेज है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन। बेटा ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है, which decrease blood pressure. तो ब्रेडिकाइनिन से भी ब्लड प्रेशर कम होता है, बट ब्रेडिकाइनिन का मेन साइड इफेक्ट होता है दैट दिस ब्रेडिकाइनिन causes एलर्जिक रिएक्शन। ब्रेडिकाइनिन से एलर्जिक रिएक्शंस हो, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू एस इनहिबिटर ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन? निमोनिक लिखे हैं उसका, निमोनिक लिखते हैं दारू, निमोनिक लिखते हैं दारू। तो ये क्यों होते हैं? ब्रेडिकाइनिन के लेवल बढ़ने से होते हैं। डी फॉर ड्राई कफ, खांसी होना। एंजियो इडीमा, फेस और नेक पे स्वेलिंग आ जाना, नाक बहना, राइनाइटिस, और स्किन पे खुजली होना और लाल लाल धब्बे पड़ जाना, अर्टिकेरिया, हाइव्स भी बोलते हो ना। एंड ड्राई कफ इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राई कफ। बेटा ये पिक्चर बताओ क्या हो रहा है? Can you tell me this person is suffering from which disease? आप देख रहे हो इसके lips और cheeks पूरे swollen है, eyes हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें हर आदमी की confidentiality maintain करनी है, ethics को follow करना है। तो बताइए ये कौन सी बीमारी है? This is angioedema caused by eosinophilia, face और lips में swelling आ।
कई बार डेंजरस हो जाता है, कई बार लैरिंग्स में भी आ जाती है, आदमी सांस लेना बंद कर देता है, तो एडिमा कई बार डेंजरस। तो क्वेश्चन इज, अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूं, देयर इज अ पेशेंट ऑन, लेट्स से मैं एक ड्रग का नाम लिख देता हूं, लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल क्या है? एस इनहिबिटर। इज सफरिंग फ्रॉम, इज हैविंग कफ एंड एंजियोडीमा। एक आदमी को कफ और एंजियोडीमा है, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट? इसको अब आप कैसे मैनेज करोगे? एनीवन, एक आदमी को एस इनहिबिटर से कफ और एंजियोडीमा हो गया, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट? व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट? बेस्ट मैनेजमेंट इज स्टॉप एस इनहिबिटर। यस, मीत पटेल जी आज इज ऑन फायर टुडे। एंड टाट, सार्टन, बताओ सार्टन क्या थे? सार्टन क्या थे? 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्योंकि वो बेटा सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, वो इस एंजाइम से इंटरवेंट नहीं कर रहे। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एलिस काइरिन, बिकॉज दीज ड्रग्स डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। दीज ड्रग्स नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। यस, टेल मी सम। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ड्रग्स वी हैव अमंग एस इनहिबिटर। तो निमोनिक बना लो, सीआरपीएफ का एक जवान है, सोल्जर है, उसने बेल्ट पहनी हुई है, सीआरपीएफ बेल्ट। पहला है कैप्टोप्रिल। यार बार बार प्रिल वर्ड तो हमसे लिखा नहीं जाएगा, तो हम छोटा कर देंगे, रैमी प्रिल, उसकी जगह पी लिख देता हूँ। पेरिंडोप्रिल, ऑसिनोप्रिल, नाजी प्रिल। अब बेटा अगर आपको सारे याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, दो चार जितने याद कर सकते हो उतने कर, ठीक है? आप सीआरपीएफ भी याद कर लो, बहुत है। नाला प्रिल, सिनो प्रिल, सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है, प्रिल वर्ड में दो चार याद कर ले लिखने के लिए। रिंडालो प्रिल, क्विना प्रिल, ऑक्सी प्रिल। डन। अब पॉइंट लिखते हैं, सबसे बुरा ड्रग कौन सा है और कौन सा एस इनहिबिटर है जो सबसे पहले बनाया था, बड़ा फेमस हुआ, आज की डेट में हमने धोखा दे दिया, सिर्फ वही एस इनहिबिटर अब हम यूज नहीं करते, बाकी सारे यूज करते हैं। एनी गैसेस, कौन सा एस इनहिबिटर इन सब में से सबसे पहले बनाया था, बहुत बुरी प्रॉपर्टीज थी तो उसको यूज करना? वेरी गुड मीत जी, ये वाला। बाकी सारे यूज करते, आज की डेट में कैप्टोप्रिल यूज नहीं करते। तो विच इज द शॉर्टेस्ट, अब बुरी बातें लिखते हैं, शॉर्टेस्ट। सल्फा से एलर्जी होती है और फूड के साथ दोगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो खाली पेट लेना पड़ेगा, कैप्टोप्रिल। डन। नाउ डेज नॉट, बैन नहीं हुआ ये ड्रग, पर अब आउट ऑफ यूज हो गया है, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं अपने पेशेंट को, हम क्यों ऐसा ड्रग दे? प्रो ड्रग लिखेंगे, ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल, बेटा प्रो ड्रग का मतलब होता था जो ड्रग इनएक्टिव है, बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उनको हम बोलते हैं प्रो ड्रग। सारे एस इनहिबिटर प्रो ड्रग है, कौन से नहीं है? कैप्टोप्रिल, लिसिनो। कौन सा ड्रग इंट्रावीनस है? इनेला प्रिलैट। इनेला प्रिलैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ कौन सा ड्रग? इनेला प्रिल। तो इनेला प्रिल की एक्टिव फॉर्म क्या है? इनेला प्रिलैट। अब एक बात मुझे बताइए बेटा, इंट्रावीनस ड्रग आप एक नॉर्मल हाइपरटेंसिव में देना चाहोगे? इंट्रावीनस तो हम इमरजेंसी में देते हैं, उस इमरजेंसी का नाम क्या था?
It is used in hypertensive crisis. या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. सल्फा वाले ड्रग से बेटा एलर्जी होती है, लाइक बोन मैरो सप्रेशन, टेस्ट डिस्टर्बेंस, रैशेज ऑन स्किन. ठीक है, तो हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स जब पढ़ेंगे एंटीबायोटिक. कौन से एस इनहिबिटर के साथ डोज रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है रीनल फेलियर में? ऑसिनोप्रिन. कितना भी लिख दो बहुत है. अब लॉन्गेस्ट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ये आंसर है इसके, ये एमसीक्यू में. यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटी. व्हाई? एस इनहिबिटर आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन. तीन ड्रग पड़े, सीएटी कैट. हाइपरटेंशन के साथ अगर पेशेंट को सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, और पेशेंट के यूरिन में क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? डायबिटीज है, स्ट्रोक है, रेटिनोपैथी और स्क्लेरोडर्मा. व्हाई? बिकॉज एस इनहिबिटर हैव नेफ्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट. ये किडनी को बचाते हैं डैमेज होने से. ठीक है, ठीक है. They improve glycemic control. Blood glucose को थोड़ा सा improve करते हैं. They have neuroprotective effect. इसलिए stroke में देते हैं. They have retinoprotective effect. And they decrease collagen deposition in cases of scleroderma. इनके एडिशनल बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं एस इनहिबिटर के, इसीलिए इनको हम इन बीमारियों में यूज करते हैं. क्या बता सकते हो हम एस इनहिबिटर्स, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीएचएफ, क्रॉनिक हार्ट फेलियर. क्या रीजन होगा बेटा? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीएचएफ इज एस इनहिबिटर. यस अजीत आर्याल जी, सही जा रहे हो, आपको पता. भाई रीजन क्या बोलोगे? बिकॉज दे हैव कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट. दे रिड्यूस कार्डियक हाइपरट्रॉफी. तो आपसे थोड़ा सा ना डिटेल में कई बार अलग से सवाल आ जाता है कि एस इनहिबिटर्स किडनी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, नेफ्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स. ठीक है, तो एक बार पढ़ लें, बड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने डाल दिया टॉपिक. मान के चलो बेटा ये क्या है हमारा, ये हम सब जानते हैं नेफ्रॉन है. ठीक है बेटा, सीकेडी में क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, जो ब्लड में एल्ब्यूमिन है वो फिल्टर हो जाता है कि नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं, और पेशेंट को यूरिन में एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा होता है. पेशेंट को एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा होता है, यही हॉलमार्क है. क्यों? क्योंकि जीएफआर, देर इज हाइपर फिल्टरेशन. बचे हुए नेफ्रॉन्स में फिल्टरेशन बढ़ जाता है, इस हाइपर फिल्टरेशन की वजह से एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है. पहले मान के चलो 100 नेफ्रॉन्स है, अब सिर्फ 20 नेफ्रॉन बचे किडनी फेलियर में. डोंट यू थिंक 20 नेफ्रॉन्स को 100 नेफ्रॉन का काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसीलिए उनमें हाइपर फिल्टरेशन होगी. हाइपर फिल्टरेशन से एल्ब्यूमिन यूरिया होगा, इससे नेफ्रॉन और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं. तो एस इनहिबिटर क्या करते हैं बेटा? एस इनहिबिटर कुछ नहीं करते, एस इनहिबिटर्स दे डायलेट इफरेंट आर्टेरियो. एस इनहिबिटर मान के चलो यहां से आ रहे ना, ये एफरेंट आर्टेरियो ले, इफरेंट है से आते ना ब्लड. एस इनहिबिटर दे डायलेट इफरेंट आर्टेरियो लिखेंगे, दे डायलेट इफरेंट आर्टेरियो. अब आप मुझे बताइए, अगर इफरेंट आर्टेरियो डायलेट हो गया तो क्या होगा? कैन वी से थोड़ा सा जीएफआर फिल्टर होने के बजाय यहां चला जाएगा, अब एल्ब्यूमिन कम फिल्टर होगा क्योंकि ब्लड अब इफरेंट आर्टेरियो की तरफ जा रहा है ना. तो Hence, there will be slight
decrease in GFR. It will decrease, which will reduce hyperfiltration injury. Hyperfiltration से injury होती है. और hyperfiltration injury अगर कम हो गई, तो क्या चीज कम हो जाएगी? They reduce the risk of albuminuria. और albuminuria is a hallmark of AD. Agree? तो थोड़ा सा GFR कम हो जाता. अब बेटा यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. सर एक बात बताओ, क्या आप जरूरत से ज्यादा GFR कम करना चाहोगे? Would you like to reduce GFR drastically? हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? Slight. हमने क्या वर्ड यूज किया? Slight वर्ड यूज किया. अब एक बात बताओ, मान के चलो, इमेजिन करो कि ये जो efferent artery है, efferent artery है, ये ब्लॉक्ड है और ब्लड आ ही नहीं रहा किडनी में. तो एक कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन का नाम है बाइलेटरल एफरेंट. लिखेंगे इफरेंट लिखे, एफरेंट लिखते हैं, बाइलेटरल एफरेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. एक कंडीशन का नाम लिखो. अब कंडीशन का मतलब समझ आया? बाइलेटरल एफरेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. इस कंडीशन में देयर इज ऑलरेडी द पेशेंट इज हैविंग लो जीएफआर. मुझे बताइए बेटा लोग, क्या इस केस में एस इनहिबिटर दोगे? क्या इस केस में एस इनहिबिटर दोगे? इफरेंट को डायलेट करना चाहोगे इस कंडीशन में आप लोग? क्या इस केस में आप इफरेंट आर्टरी को डायलेट करोगे तो क्या यूरिन प्रोड्यूस होगा? क्या ब्लड फिल्टर होगा? फिर नहीं होगा. तो इस कंडीशन में एस इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि बेटा जीएफआर बहुत कम हो जाएगा. देयर विल बी ड्रास्टिक रिडक्शन इन GFR. ड्रास्टिक रिडक्शन इन GFR का मतलब यूरिन नहीं बनेगा. जब यूरिन नहीं बनता, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ARF. ARF इज एक्यूट रीनल फेलियर. तो हम ये बात कैसे याद रखें? याद रखना है कि एस इनहिबिटर को हम क्रॉनिक रीनल फेलियर में देते हैं. We give ACE inhibitor in CRF, chronic renal failure. But ACE inhibitor को हम कब नहीं देते? Acute renal failure में नहीं देते. ये बात याद रखनी है. अरजीत जी आपने बिल्कुल सही कहा, बट अभी हम लिखेंगे नहीं उस चीज को, हम रेगुलर लेक्चर्स में लिखेंगे. अभी हम थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? Second contraindication of ACE inhibitor. ACE inhibitors, they are absolutely contraindicated. Pril वाले drug pregnancy में नहीं देने. इसको pregnancy में नहीं देना, क्योंकि बेटा RAS system से ना बच्चों में kidney बनती है. बच्चों में kidney का synthesis RAS system पे dependent है. तो बच्चे में क्या नहीं बनेगा? Renal एजेनेसिस. स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं देना. तो दे आर जो ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, उसे हम बोलते हैं कैटेगरी एक्स ड्रग. तो प्रिल वाले ड्रग, सार्टन वाले ड्रग, ऑल RAS इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ऑल RAS इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ड्रग इंटरेक्शन, तो एस इनहिबिटर से हाइपरकैलेमिया होता है. अवॉइड विद कौन से ड्रग? पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक. एनसेट्स, दे डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूस एफरेंट
ब्लड सप्लाई, ये जो एफरेंट आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है इसे ना प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन करते हैं। तो बताइए एनसेड्स विद एस इनहिबिटर विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एस इनहिबिटर इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम बाय एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर ना लिथियम की एक्सक्रीशन को कम करते हैं। क्यों कम करते हैं वो हम लिथियम में पढ़ेंगे। तीन बातें याद रखें, साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर, न्यूमोनिक आपके सामने है, जो अभी तक हमने बातें पढ़ी हैं उसका न्यूमोनिक है, कफ, एंजियोडीमा, प्रोड्रग्स, ऑल्दो ये साइड इफेक्ट नहीं है, टेस्ट डिस्टर्बेंस होती है कई एस इनहिबिटर से, स्पेशली किससे, कैप्टोप्रिल से। क्यों? क्योंकि कैप्टोप्रिल सल्फा कंटेनिंग ड्रग है, सल्फा से टेस्ट डिस्टर्बेंस होती है। व्हाई एस इनहिबिटर कॉजेस हाइपरकैलेमिया, बिकॉज एस इनहिबिटर डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। हमने अभी पढ़ा बेटा ये, एस इनहिबिटर से एल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन कम होने की वजह से यूरिन में सोडियम का लॉस हो जाता है और ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब बीपी कम होगा तो हाइपोटेंशन हो जाता है, प्रेगनेंसी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, दे इंक्रीज पोटेशियम एंड दे कॉज ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन भी बेटा किससे होता है, कैप्टोप्रिल से। क्या रीजन बता सकते हो बेटा क्यों कैप्टोप्रिल से, क्योंकि एक सल्फा कंटेनिंग ड्रग है, सल्फा कंटेनिंग ड्रग है, तो एक हमने निमोनिक बना। लास्ट ड्रग इन रास इनहिबिटर इज 81 रिसेप्टर ब्लॉक। इसमें बेटा 81 एंजियोटेंसिन के ना 5 रिसेप्टर होते हैं, 81 to 85। 81 का मेन काम होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो बताइए ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर होगा कि इनहिबिटरी रिसेप्टर होगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। 82 का काम होता है बीपी को कम करना। तो मुझे बताइए इसमें से एक्साइटेटरी रिसेप्टर कौन सा और इनहिबिटरी कौन सा। 81 रिसेप्टर इस एक्साइटेटरी जीक्यू टाइप ऑफ जीपीसीआर प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, व्हाइल 82 इज इनहिबिटरी जीआई टाइप ऑफ जीपीसीआर। वेरी गुड, ये एमसीक्यू है। तो बताइए हमें किसको ब्लॉक करना है। इनका मेन काम होता है ब्रेन में, मेमोरी, कॉग्निशन, मेनी फंक्शन, मेन काम इनका यहां होता है। हमें इन पे फोकस नहीं करना, हमें कौन से रिसेप्टर पे फोकस करना है, कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करें ताकि बीपी कम हो जाए। नाम देखिए, वी ब्लॉक एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, हमें इसको ब्लॉक करना होता है। क्या हमें ये बात समझ आई? तो हमारा टारगेट क्या होता है बेटा, 81 रिसेप्टर होता है, इसको ब्लॉक कर दोगे बीपी कम हो जाएगा, है ना। क्या हमें बात समझ आई? वेरी गुड। तो इन ड्रग्स को हम बोलते हैं सार्टन्स, देख लेते हैं। निमोनिक है लाउटिक, इन ड्रग को क्या बोलते हैं हम, सार्टन्स। तो एक निमोनिक बनाएंगे लवटिक, एल से लो सार्टन, ये सबसे पहला ड्रग था। फिर बनाया ऑलमी सार्टन, अब बार बार सार्टन तो हम नहीं लिख सकते, तो वेल सार्टन, प्रो सार्टन, वेरी फेमस ड्रग इसका नाम चलो मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, टेलमी सार्टन, इरबे सार्टन एंड कैंडी सार्टन। रूट सारे के सारे ओरल है। कौन सा एस इनहिबिटर आईवी था, एक ही था ना आईवी, इनैलाप्रिलैट। मोस्ट पोटेंट, सबसे पोटेंट है कैंडी सार्टन, लीस्ट पोटेंट लो सार्टन। अब बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल, जो ड्रग की मोस्ट पोटेंट का मतलब ये होता है
जिसकी सबसे कम डोज देनी पड़ेगी वो मोस्ट पोटेंट होता है। तो मेरा अगर आपसे एक सवाल पूछूं, विच सार्टन बाइंड्स टू, एक एमसीक्यू है, 81 विद हाईएस्ट एफिनिटी, सबसे स्ट्रॉन्गली कौन सा बाइंड करेगा 81 रिसेप्टर से, और सबसे कम एफिनिटी से कौन सा बाइंड करेगा ये भी बता दो। सबसे हाई एफिनिटी से, सबसे प्यार से, सबसे कैंडिडली कौन सा बाइंड करेगा, कैंडी सार्ट। और सबसे लोएस्ट एफिनिटी से कौन सा बाइंड करेगा, सार्टन। हाँ, कैंडी, कैंडी मतलब कैंडिड, सबसे ज्यादा प्यार है। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ 81 रिसेप्टर, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, सेम लाइक एस इनहिबिटर। तो इसके यूजेस, इनके यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर सेम लाइक एस इनहिबिटर। एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्ट ब्रैडीकाइनिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दे डू नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्रैडीकाइनिन, इनसे ब्रैडीकाइनिन का लेवल नहीं बढ़ता। तो जिन पेशेंट्स में आप एस इनहिबिटर नहीं दे सकते, में आप सार्टन दे दो। सार्टन रिप्लेसमेंट है, भाई है किसके, एस इनहिबिटर के। एंड द लास्ट पॉइंट इज सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एआरबी, और इस पे बहुत सवाल आते हैं, आना भी चाहिए। हमने तीन सार्टन लिखे, लोसार्टन, इरबेसार्टन एंड टेलमीसार्टन। लोसार्टन की स्पेशल प्रॉपर्टी, इसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट हैज एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। व्हाई, क्योंकि एक प्लेटलेट के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर, एंड इट हैज यूरिकोस यूरिक एक्शन, मतलब इट रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड लेवल, वो यूरिन में निकल जाएगा, क्योंकि यूरिकोस यूरिक का मतलब यूरिक एसिड ब्लड में। तो कौन सी बीमारी के लिए अच्छा होगा, गाउट के लिए अच्छा होगा। इरबेसार्टन ब्लॉक्स SA नोड एंड AV नोड ऑन हार्ट, बेसिकली SA नोड, हेंस इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियास ऑल्सो लाइक AF। इट हैज एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी। एंड टेलमीसार्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलमीसार्टन इट इज PPAR गामा एगोनिस्ट, लाइक अ ड्रग पायोग्लिटाजोन। आपने कहीं ये ड्रग पढ़ा, पायोग्लिटाजोन, किसी बच्चे ने पढ़ा ये ड्रग पायोग्लिटाजोन, कहाँ यूज करते हैं पायोग्लिटाजोन, एनीवन? यस, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यस दे आर ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, हाइपरकैलीमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जैक्टली सेम। अब बेटा ये जो PPAR गामा या पायोग्लिटाजोन है, इसका काम होता है, इट इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये इंसुलिन का एक्शन इंप्रूव करता है। तो मुझे बताइए कौन सी बीमारी में इंसुलिन से रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी में, कौन सी बीमारी में इंसुलिन से रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी में? तो दे आर बेनिफिशियल इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, DMS डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेरी गुड, शाबाश, सब आंसर कर रहे हो आप बच्चे। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि टाइम अप हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में भी हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो दोनों क्वेश्चन रिलेटिवली काफी छोटे। तो हमने ओवरऑल दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं फार्मा के डेटा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू हैव एंजॉयड, और आपको सारी बातें समझ आई हैं।
ग्रेट मीथ, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो आप, ऐसे ही पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ते रहो, मजा एंजॉय करके पढ़ो चीजें, बहुत अच्छा आप करोगे आप, आई होप। आज के लिए इतना ही, बाकी दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू वर्मा जी, मार्थंडा वर्मा जी, अजीत आर्यल जी, एंजॉय योर डे, आई होप इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत, एंजॉयिंग वर्ल्ड कप ऑल्सो। I'll share the PDF, don't worry. PDF, yes, no problem. वैसे ही नोट्स बनाने हैं सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, जिसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाए एग्जाम से पहले, कोई भी एग्जाम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।